दो दिन बीत गए और लॉस सैंटोस के अंदर बर्फ पड़ना अभी तक खत्म नहीं हुई है, और सिर्फ बर्फ नहीं यहाँ पे तो हवा भी बहुत ज्यादा तेज चल रही है। और इस वाली बर्फ को देख के मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम लोग माउंट चिलार के ऊपर जाके कैंपिंग करें। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अगर लॉस सैंटोस के अंदर इस तरह का मौसम कभी कभी होता है। फटाफट से सिंचाओ चौप से पूछता हूं उन लोगों का क्या प्लान है। काफी ज्यादा मजा आने वाला है, माउंट चिलार तो आगे पूरा का पूरा बर्फ से भर गया होगा। लेकिन सिंचाओ चौप कहाँ पर है? कल रात तक तो वो लोग यहीं पर थे, मगर अभी वो लोग यहाँ पर नहीं है। लगता है कि सिंचाओ चौप अकेले ही कैंपिंग करने चले गए। इन लोग को मैंने बोला भी था कि कोई भी प्लान बनाओ मुझे लाजमी साथ में लेकर जाना, मगर लगता है कि मैंने उठने में थोड़ी सी देर कर दी है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने प्लान को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग को माउंट चिलार के ऊपर जाना है, और वहाँ पे जाके हम लोग बहुत ही ज्यादा ओपी कैंप और बॉनफायर करेंगे। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन वेट, ये किसकी कॉल है? अननोन नंबर से कॉल आ रही है। तुम फ्रैंकलिन बात कर रहे हो? तुमने नंबर किसका डायल किया है? मैंने तो फ्रैंकलिन को कॉल की थी। तुम फ्रैंकलिन हो या फिर नहीं? हाँ मैं फ्रैंकलिन हूँ, मगर तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तुम इस बात को छोड़ो, फटाफट से 10 करोड़ का बंदोबस्त करके मेरे पास आ जाओ। 10 करोड़ का बंदोबस्त करके तुम्हारे पास आ जाऊं? मैं कोई तुम्हारे लिए काम करता हूं क्या? जैसा बोल रहा हूं वैसा करो, 10 करोड़ पे लेके सीधा मेरी बताई हुई लोकेशन पर आ जाओ। 10 करोड़ पे तुम्हारी बताई हुई लोकेशन पे लेकर आ जाऊं? अबे सुबह सुबह क्या पी के फोन कर रहे हो? लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, मेरे कब्जे में एक छोटा बच्चा और एक कुत्ता है। छोटा बच्चा और कुत्ता? कौन सा छोटा बच्चा? मैं किसी बच्चे को नहीं जानता हूं। सिंचन का नाम सुना है क्या तुमने? हां सिंचन तो मेरा छोटा भाई है। अगर तुम चाहते हो कि सिंचन तुम्हारा छोटा भाई रहे तो 10 करोड़ पे लेकर आ जाओ। सिंचन मेरा छोटा भाई रहे तो 10 करोड़ पे लेकर आ जाओ? अगर मैं तुम्हें 10 करोड़ पे नहीं दिया तो फिर क्या सिंचन मेरा छोटा भाई नहीं होगा क्या? तुमने सही बोला, सिंचन बचेगा नहीं तो तुम्हारा छोटा भाई क्या घंटा होगा। मैं तुम्हारे छोटे भाई सिंचन और इस डॉगी को अभी मार दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 10 करोड़ का बंदोबस्त करो, उसके बाद मेरी बताई हुई लोकेशन पर आ जाना। अबे पागल वागल हो गए हो क्या? बंद करो फोन, पता नहीं आ गया सुबह सुबह इसको क्या हो गया। 10 करोड़ पे लेकर आने का बोल रहा है और बोल रहा है कि सिंचन और चौप इसके पास है, लेकिन मुझे पता है कि सिंचन और चौप मेरे घर के अंदर ही होंगे। हाँ भाई सिंचन और चौप कहाँ पर हो तुम लोग? इन लोग की मुझे आवाज तो नहीं आ रही है, लगता है कि ये लोग मेरे घर के अंदर नहीं है। तो फिर ये लोग कहाँ पर हो सकते हैं? मुझे लगता है कि यार गाइस ये लोग कैंपिंग करने गए वो भी मेरे बगैर। अबे यार गाइस दोबारा कॉल आ गई इसकी। अरे यार हमें हम लोग को बचा लो, हमें हम लोग को इसने कैद कर लिया। अबे सिंचन तू कहाँ पर है? अरे यार हमें प्लीज हम लोग को बचा लो, हमें ये लोग हम लोग को बहुत ज्यादा लाते और मुक्के मार रहे हैं। सिंचन तू तो छोटा बच्चा है, तुझे लाते और मुक्के मार रहे हैं ये लोग? अरे बस सिर्फ सिंचन को नहीं आता, मुझे भी मुंह पे लात मारी इन लोगों ने, मेरे मुंह का दांत टूट गया यार। मुंह का दांत टूट गया? चौप दांत तो मुंह के अंदर ही होता है। अरे मजाक करने का टाइम नहीं, हमें प्लीज बचाओ नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यार। तुम लोग हो कहाँ पर? ये तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ पर हूँ, दोबारा मेरी कॉल मत काटना। 10 करोड़ का बंदोबस्त करके मेरी कॉल का वेट करो, तुम्हारे पास 5 मिनट है। अच्छा एक सेकंड रुको, मेरी सिंचन से बात करवाओ। ये ले बड़े सर वाले बच्चे, बात कर अपने भाई से। अरे यार हमें प्लीज हम लोग को बचा लो, हमें ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। सिंचन मेरी बात सुन, तुम लोग हो कहाँ पर? अरे यार हमें पता नहीं, पानी के अंदर ये हम लोग को लेकर आ गए। पानी के अंदर लेकर आ गए? अरे हाँ हमें, हम लोग इनके सीक्रेट बेस के अंदर बंद है, हमें सीक्रेट बेस पानी के अंदर है। अबे लाओ इधर फोन दो, दोबारा मैं तुम्हारी छोटे बच्चे से बात नहीं कराऊंगा, ये तो कुछ ज्यादा ही चालाक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नाम को छोड़ो, पैसों का बंदोबस्त करो। अच्छा मेरी एक दफा चौप से बात करवाओ। नहीं करवाऊंगा बात किसी से भी। अच्छा मैं उन लोग से नहीं पूछूंगा तुम लोग कहाँ पर हो, मेरी बस एक दफा चौप से बात करवाओ। ये ले कुत्ते बात कर। हमें तो इसका नाम सन्नाटा यार। है क्या नाम है? अरे बस सन्नाटा, सन्नाटा नाम है इसका यार। अबे फोन इधर करो, ये डॉगी और बच्चा तो कुछ ज्यादा ही शातिर है। अभी मैं फोन रखता हूँ, 10 करोड़ का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे फोन करना। इसने तो फोन काट दिया, मगर सिंचन ने मुझे बताया कि ये लोग पानी में किसी सीक्रेट बेस के अंदर है, और चौप ने मुझे बताया कि उसका नाम सन्नाटा है। इसका मतलब ये कि सन्नाटा ने सिंचन और चौप को किडनैप किया है। लेकिन मुझे लोकेशन कैसे पता चलेगी? वेट सिंचन ने मुझे बताया कि वो लोग पानी के अंदर किसी सीक्रेट बेस के अंदर है। पानी तो लॉस सैंटोस के अंदर एक बीच साइड पर है, दूसरा पानी पोर्ट पर है। मुझे तो कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा, लॉस सैंटोस के अंदर तो बहुत ज्यादा पानी है, और अब मैं सन्नाटा को कैसे ढूंढूंगा? मेरे पास एक प्लान है, लेस्टर को पता होगा कि आएगा सन्नाटा कौन है, मुझे फटाफट से लेस्टर के पास जाना होगा। हम लोग की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, बल्कि नहीं गाड़ी से नहीं जाऊंगा, अगर गाड़ी से गया तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। फटाफट से बाइक को उठाता हूँ और सीधा जाता हूँ लेस्टर के पास। लेकिन पहले मुझे लेस्टर को कॉल करनी होगी, पता नहीं लेस्टर अपने घर पे होगा भी या फिर नहीं। कहाँ गया लेस्टर का नंबर? ये रहा। लेस्टर मेरी बात सुनो, तुम कहाँ पर हो? मैं तो अपने घर पर हूँ, मौसम देख रहे हो कितना बढ़िया है। हाँ मुझे पता है मौसम बढ़िया, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम वहीं पे रुको। अरे क्या हुआ? तुम बस अपने घर रुको, मैं आ रहा हूँ। ठीक है जल्दी आओ। लेस्टर तो आ गया अपने घर पर ही है, मुझे फटाफट से लेस्टर के पास जाना होगा। सिंचन और चौप को किसने किडनैप कर लिया, और वो भी किसी सीक्रेट बेस के अंदर? मैंने तो लॉस सैंटोस के अंदर कोई भी सीक्रेट बेस अभी तक नहीं देखी है। मेरे पास तो सिर्फ एक सीक्रेट बेस है, जिसके अंदर मैंने गोस्ट राइडर, आयरन मैन और फ्लैश के सूट को रखा हुआ है। लेकिन सिंचन मुझे बता रहा था कि वो लोग पानी के अंदर है। पानी के अंदर सीक्रेट बेस कैसे हो सकती है? लेस्टर को पता होगा, लेस्टर सबसे बड़ा हैकर है, सारी की सारी बातें लेस्टर को पता होंगी। इतना ज्यादा बढ़िया मौसम हो रहा था, मैंने सोचा था कि सिंचन चौप के साथ माउंट चिलार पे जाके कैंपिंग करूंगा, मगर सारा का सारा प्लान मेरा इस वाले बर्फ के अंदर बह गया। पता नहीं सिंचन और चौप किस हाल में होंगे। सिंचन मुझे बता रहा था कि उन लोगों ने सिंचन को लाते और मुक्के मारे, और चौप बोल रहा था कि उसका एक दांत भी तोड़ दिया उन लोगों ने। ऐसा कैसे हो सकता है? सिंचन और चौप को किडनैप किया किसने? मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर जिसने भी सिंचन और चौप को किडनैप किया ना, मैं उन लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मगर पहले मुझे सीक्रेट बेस का पता लगाना होगा। वेपन्स तो आएगा मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए, तो हम लोग को वेपन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बस सीक्रेट बेस को ढूंढना है, या फिर मुझे 10 करोड़ रुपए अरेंज करने होंगे। मगर इतने कम टाइम में 10 करोड़ रुपए मैं कहां से अरेंज करूंगा? मुझे पता
पता है कि अगर मेरी हेल्प कोई भी नहीं करने वाला है। मेरे पास एक ऑप्शन है तो सही माइकल की, और हो सकता है कि माइकल मुझे 10 करोड़ दे भी दे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद भी वो लोग सिंचन और चॉप को मारेंगे नहीं। हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। लेस्टर के घर के पास पहुंच गया हूं। अभी हम लोग की हेल्प लेस्टर ही कर सकता है। बाइक को यहां पे पार्क करता हूं और अभी फटाफट से अंदर की तरफ जाता हूं। अभी लेस्टर कहां पर है? अबे लेस्टर कहां पर हो? अरे हां बेटी, मैं तो यहां पर हूं, बताओ कैसे आना हुआ? लेस्टर एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ऐसी कौन सी मुसीबत हो गई? सिंचन और चॉप को किसी ने किडनैप कर लिया है। सिंचन और चॉप को किसने किडनैप कर लिया? छोटा बच्चा और चॉप किसी को क्या दे सकता है? अबे लेस्टर देखो, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग सिंचन और चॉप को मार दें। अरे शांत हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर। बताओ वो लोग कहाँ पर हैं? सिंचन ने मुझे बताया कि वो लोग किसी पानी वाली सीक्रेट बेस के अंदर हैं। पानी वाली सीक्रेट बेस? पानी में तो कोई भी सीक्रेट बेस नहीं है। उन लोगों ने कुछ और बताया क्या? हाँ, मुझे चॉप ने बताया था कि उसका नाम कुछ सन्नाटा है। हैं, सन्नाटा? एक मिनट रुको, मुझे कंप्यूटर पे चेक करने दो। जल्दी करो लेस्टर, जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। क्या नाम बताया तुमने? सन्नाटा, सन्नाटा नाम बताया मैंने तुम्हें। सन्नाटा या फिर सन्नाटा? अबे एक दफा सन्नाटा। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अबे जल्दी करो लेस्टर, टाइम बहुत थोड़ा है। मिल गया, सन्नाटा मिल गया। कहाँ पर है? अपनी सीक्रेट बेस के अंदर। सीक्रेट बेस कहाँ पर है? सीक्रेट बेस पानी के अंदर है। अबे कौन से पानी के अंदर है? मैं तुम्हारे मोबाइल पे लोकेशन भेजता हूँ। पानी के अंदर सीक्रेट बेस होती है क्या? हाँ मिट्टी, सन्नाटा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसकी सीक्रेट बेस पानी के अंदर है, तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। मैं अभी जाके सन्नाटा की जिंदगी में सन्नाटा करता हूँ, तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अरे मैं क्यों फिक्र करूंगा, लेकिन रुको मेरी बात सुनो। हाँ बताओ क्या बात है? हाँ मिट्टी, सन्नाटा को मारोगे क्या? हाँ सन्नाटा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और साथ में सिंचन और चॉप को भी बचा लूंगा, लेकिन सीक्रेट बेस का क्या करोगे? सीक्रेट बेस का वो मैं अपने पास रख लूंगा। अरे नहीं नहीं हाँ मिट्टी, वो सीक्रेट बेस मुझे दे देना। अबे लेस्टर वो सीक्रेट बेस मैं रखने वाला हूँ। तो फिर मुझे क्या मिलेगा बदले में? अच्छा तुम्हें क्या चाहिए बदले में? सीक्रेट बेस के अंदर 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मुझे वो 3 गाड़ियां दे देना और सीक्रेट बेस तुम खुद रख लेना। हाँ ठीक है, ये वाला प्लान ठीक है। अभी मुझे जाना होगा तो मुझे लोकेशन भेजो। हाँ मेटी मोबाइल चेक करो, लोकेशन भेज दी। जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ से निकालता हूँ। और ये क्या, मौसम साफ हो गया, बर्फ कहाँ गई? लगता है कि बर्फ खत्म हो गई। मुझे फटाफट से सिंचन और चॉप के पास जाना है। पहले मुझे देखना होगा कि लेस्टर ने मुझे लोकेशन कौन सी भेजी है। तो अगर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे लेस्टर ने लोकेशन भेजी है, और ये सारा का सारा पानी है, और ये भी सारा का सारा यहाँ पे पानी है। सीक्रेट बेस यहाँ पर है क्या? हम लोग को जाके देखना होगा। लेस्टर की दोबारा कॉल आ रही है। हाँ भाई लेस्टर क्या हुआ? अरे हाँ मेटी, मैं तो एक बात भूल गया। हाँ बताओ क्या बात है? हाँ मेटी, सीक्रेट बेस के अंदर जाने के लिए तुम्हें सबमरीन चाहिए होगी। सबमरीन मेरे पास तो नहीं है। लेकिन मेरे पास है, जल्दी से ट्रक लेके मेरे घर के बाहर आओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सीक्रेट बेस के अंदर जाने के लिए हम लोग को सबमरीन चाहिए होगी, मगर यहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है। जी हाँ, ट्रक आएगा हम लोग का काम आ जाएगा। फटाफट से मैं इस वाले ट्रक पे बैठता हूँ। इतनी ज्यादा खतरनाक सीक्रेट बेस होगी क्या? हम लोग को जाके ही पता चलेगा। इसकी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम लोग को सबमरीन चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि लेस्टर ने मुझे सही टाइम पे कॉल कर दी, नहीं तो मैं पानी में गोल गोल घूम रहा होता पागलों की तरह। लेस्टर है तो काफी ज्यादा काम का, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा सा लेट काम करता है। हाँ भाई लेस्टर, सबमरीन कहाँ पर है? हाँ बेटी, मेरी घर की बैक साइड पर आओ। अच्छा मैं अभी आता हूँ। लेस्टर के घर की बैक साइड का रास्ता कहाँ से है? अरे हाँ बेटी, दिख गई तुम्हें? हाँ मुझे सबमरीन तो दिख गई है। हाँ बेटी बस ले जाओ इसको। अच्छा ठीक है, मैं इसको गाड़ी के ऊपर रखता हूँ। आप लोग आएगा बस एक सेकंड वेट करो, फटाफट से सबमरीन को मैं इस वाली ट्रक के ऊपर रखता हूँ और फिर आप लोग से मिलता हूँ। फाइनली आएगा सबमरीन तो मैंने इसके ऊपर रख दी है, मगर साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा ओपी है। हाँ मेटी, बंदूकें हैं ना तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास ढेर सारे वेपन्स हैं, मगर मेरे पास टाइम कम है। ठीक है आमेटी, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आएगा सिंचन और चॉप अब तक जिंदा होंगे। ये वाली लोकेशन यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है, मगर आएगा ये वाला ट्रक बहुत ही ज्यादा नूबड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं आएगा, ये काम कर रहे हैं। हम लोग को बस ऐसी चीज चाहिए जो काम कर सके, और ये वाला ट्रक अभी बहुत ही ज्यादा ओपी काम कर रहा है। लोकेशन तो मुझे लेस्टर ने भेज दी है, अभी बस फटाफट से मुझे वहाँ पे पहुँचना होगा। लेकिन एक सेकंड आएगा, ये तो सी पोर्ट है। सिंचन और चॉप सी पोर्ट में क्या कर रहे हैं? पता नहीं आएगा कैसी सीक्रेट बेस होगी, हम लोग को जाके देखना होगा। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही कि सिंचन और चॉप किडनैप हुए तो हुए कैसे। मुझे पक्का पता है कि गाइस ये लोग कहीं पे कैंपिंग करने गए होंगे और वहाँ पे किसी ने इन लोग को किडनैप कर लिया। सिंचन हैप्पी बहुत ही क्यूट बच्चा, और इसी वजह से पता नहीं किसी ने उसको किडनैप कर लिया। मैं ऑलमोस्ट लेस्टर की बताई हुई लोकेशन पर तो आ गया, मगर गाइस यहाँ पे मुझे कोई सीक्रेट बेस दिखाई नहीं दे रही है। लगता है कि पानी में जाना होगा। हाँ वैसे गाइस मुझे पानी में जाना होगा, और पानी तो बिल्कुल मेरे सामने है। फटाफट से अपनी सबमरीन को पानी के अंदर उतारता हूँ और फिर मैं सीक्रेट बेस को ढूंढता हूँ। हाँ वैसे गाइस अभी मेरे पास यही प्लान है, अपनी गाड़ी को मैं पार्क करता हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ से मैं सबमरीन को नीचे कैसे उतारूंगा? ये तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल टास्क है। मुझे इस वाले ट्रक को पानी में गिराना होगा। हाँ वैसे अगर एक ही ऑप्शन है, इस वाले ट्रक को मुझे पानी में गिराना होगा। और ये वाला रास्ता यहाँ पे ठीक है, पानी के अंदर तो मैं आ चुका हूँ। अभी मुझे ट्रक के अंदर से उतरना होगा, और अभी टाइम आ चुका है सबमरीन के अंदर बैठने का। हम लोग की सबमरीन तो ऊपर चली गई है, लेकिन मैं अभी तक नीचे हूँ। मुझे फटाफट से ऊपर जाके इसके अंदर बैठना होगा। आई होप ये काम करेगी, दिखने में तो काफी ज्यादा ओपी है, मगर सीक्रेट बेस कहाँ पर होगी? यहाँ पर तो पानी पानी है। एक काम करता हूँ, पानी के नीचे जाता हूँ। पानी के नीचे जाऊंगा तो सब कुछ दिखाई देगा मुझे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। सीक्रेट बेस का दरवाजा कहाँ पर होगा? पता नहीं आएगा मैं कहाँ पे आके फंस गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शार्क वार्क मुझे खा जाए। वैसे आएगा ऐसा भी हो सकता है, मुझे यहाँ कहीं पे सीक्रेट बेस को ढूंढना है, लेकिन सीक्रेट बेस का दरवाजा यहाँ पर कैसे होगा? कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा है। लेस्टर ने मुझे लोकेशन तो यही बताई थी, लेकिन यहाँ कहीं पे
मुझे कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है। और दरवाजा मुझे दिखाई देगा भी कैसे? सीक्रेट बेस का मतलब भी ये होता है कि अगर उसका दरवाजा किसी सीक्रेट जगह पर होगा। लेकिन मैं ढूंढ लूंगा, मुझे सीक्रेट बेस के दरवाजे को ढूंढना होगा। लेकिन ये मैं कहां पे आ गया हूं? मुझे थोड़ा सा ऊपर जाके देखना होगा, लगता है कि यही सीक्रेट बेस है। ऊपर निकल के देखता हूं। तो यार गाइस, आप लोग देख रहे हो, ये मैं कहां पे आ गया? अबे यार गाइस, ये मैं किस खंडर में आ गया हूं? यू टर्न मारना होगा मुझे। फटाफट से दूसरी साइड पे जाता हूं। पिछले 2 घंटे से पानी के अंदर चक्कर लगा रहा हूं, मगर सीक्रेट बेस का तो कोई भी नामो निशान नहीं है। यहां पर भी कोई दरवाजा नहीं है, यहां पर भी कोई दरवाजा नहीं है। कहां पर हो सकते हैं ये लोग? आखिर हैं कहां पर? मुझे यहां पे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? थोड़ा सा ऊपर जाके देखता हूं कि मैं कहां पर आ गया हूं। अबे यार गाइस, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही दूर आ गया। सारा का सारा पानी मैंने छान मारा है, मगर सीक्रेट बेस मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करता हूं कि दोबारा पानी के अंदर जाता हूं, और इस दफा मैं सामने जाके देखता हूं। लेकिन वेट यार गाइस, ये क्या चीज है? ये मुझे कोई दरवाजा लग रहा है। हां वैसे गाइस, लगता है कि सीक्रेट बेस यही है, क्योंकि इस तरह की चीज मैंने पहले पानी के अंदर देखी नहीं है। मुझे इसके अंदर जाके देखना होगा। लगता है कि सीक्रेट बेस यही होगी। इसका रास्ता तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा आगे जाना होगा। सामने गेट है, अबे यार गाइस गेट खुल गया। फाइनली हम लोग सीक्रेट बेस के अंदर घुस चुके हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग को सीक्रेट बेस मिल गई, अभी हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वेपन्स तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। लेकिन ये है क्या चीज? यहाँ पे थोड़ी सी लाइट्स तो हैं और पीछे दरवाजा भी बंद हो गया। मुझे थोड़ा सा आगे जाके देखना होगा। आगे तो रास्ता बंद है, ये किस तरह की सीक्रेट बेस है? लेकिन वेट यार गाइस, आप लोग देख रहे हो, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। अपनी सबमरीन को ऊपर लेके जाता हूँ, देखते हैं कि ऊपर क्या चीज है। तो यार गाइस, फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अबे यार गाइस, ये तो सचमुच में सीक्रेट बेस है। मुझे इससे उतरना होगा, और अभी फटाफट से यहाँ पे देखता हूँ कि क्या है। ये मुझे कोई बिजली का मीटर लग रहा है, इसको फोड़ दूं क्या? लेकिन अगर मैंने इसको फोड़ दिया तो लाइट चली जाएगी और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एक काम करता हूँ कि यहाँ से आगे जाके देखता हूँ, मगर एक सेकंड, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है। और लेस्टर लगता है कि इन वाली गाड़ियों की बात कर रहा था। ये तो सारी की सारी एंटीक गाड़ियां हैं। लेकिन मुझे देखना होगा कि यहाँ पे सिंचन और चौक कहाँ पर है। एक बॉडी गार्ड तो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है और 2 सामने एक ऊपर। टोटल यहाँ पे 5 खड़े हुए। लगता है कि मुझे बड़ी वाली गन निकालनी होगी, मगर एक सेकंड, मेरे पास तो सिर्फ पिस्टल है, बाकी की गन्स कहाँ पे रह गई? लगता है कि अपनी पुरानी गाड़ी के अंदर भूल गया। अभी मुझे इन लोग को मारना होगा। लेकिन अगर मैंने इस एक को मारा तो इन 4 को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर दो। आई होप कि सिंचन और चौप मुझे मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसको मारने वाला हूँ, हेडशॉट। गया बे यार गाइस, ये मर गया। और अब तक तो इन लोग को पता चल गया होगा कि गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर एक खड़ा है, ये मुझे गोलियां मार रहा है। मुझे फटाफट से जाके इसको मारना होगा। बे यार गाइस, गया, ये मर गया, ये दूसरा भी मर गया, यहाँ पर भी एक था। लगता है कि इस नूबड़े ने अपने साथी को ही मार दिया है। इससे ज्यादा अच्छी किस्मत क्या ही हो सकती है। अभी मुझे सबसे पहले आएगा यहाँ पे ओपी वाली गन को उठाना होगा। एक काम करता हूँ कि शॉट गन को उठाता हूँ। हाँ वैसे आएगा शॉट गन ठीक रहेगी। शॉट गन तो मेरे पास आ चुकी है, मगर आएगा आप लोग देख रहे हो गाड़ियाँ तो कुछ ज्यादा ही एंटीक है। ये वाली गाड़ी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और आप लोग ये वाली गाड़ी देखो, इसके ऊपर तो टाइगर प्रिंट है। लेकिन अभी मुझे गाड़ियाँ नहीं, मुझे सिंचन और चॉप को ढूंढना है। पता नहीं यहाँ पे और कितनी सिक्योरिटी होगी। बेस तो आएगा इन लोग की काफी ज्यादा ओपी है। एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे खड़ा हुआ था, इसका मतलब ये क्या कहते हैं, अंदर जाने का ये वाला रास्ता है। लेकिन ये वाला गेट खुलेगा किस तरह? और गाइस, ऑटोमेटिक गेट है, आप लोग देख रहे हो। जैसे ही मैं इस गेट के पास जाता हूँ, ये वाला गेट खुल जाता है। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या ही हो सकती है। लेकिन वेट, यहाँ पे तो अंदर मछलियां घूम रही हैं, और कहीं ये सिंचन की डेड बॉडी तो नहीं है? अबे यार गाइस, ये मुझे सिंचन लग रहा है। बल्कि नहीं, सिंचन इतना बड़ा तो नहीं है। तो फिर ये डेड बॉडी किसकी है? खैर जिसकी भी है, मुझे सन्नाटा को ढूंढना है। सन्नाटा ही हम लोग को बता सकता है कि सिंचन और चौप कहाँ पर है। मगर यहाँ पे मुझे कोई भी दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है। काफी ज्यादा अजीबो गरीब सीक्रेट बेस है, ये क्या चीज है? लगता है कि ये दरवाजा है, लेकिन सामने एक और दरवाजा है। अबे यार गाइस, यहाँ पर भी एक बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है। फटाफट से मुझे इसको मारना होगा। लेकिन यहाँ पर 2 और भी हैं। फायर यार गाइस, ये तो भी मर गए। बाल बाल बचे, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। मुझे जल्दी से इसको मारना होगा। लगता है कि यार गाइस मर गया, मगर ये यहाँ पे कर क्या रहा था? इतने ज्यादा खुफिया कमरे हैं इस वाले सीक्रेट बेस के अंदर। मुझे सिंचन और चॉप को ढूंढना है। अबे यार गाइस, आप लोग देख रहे हो, ये किस तरह का दरवाजा है? और नीचे इतनी ज्यादा मछलियां, काफी ज्यादा ओपी सीक्रेट बेस है। जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ये वाला दरवाजा खुल जाता है। और यार गाइस, आप लोग देख रहे हो नीचे कितनी ज्यादा मछलियां हैं। ये वाला सीक्रेट बेस यार गाइस हम लोग का होने वाला है। लेकिन वेट, यहाँ पर अंदर एक और दरवाजा है। मुझे फटाफट से अंदर जाना होगा। अंदर पता नहीं कौन होगा। हाथ ऊपर करो, शाबाश दोनों के दोनों हाथ ऊपर करो। अरे रुको तो सही, तुम्हारा नाम क्या है? मैं ही तो हूँ सन्नाटा। मुझे बताओ कि सिंचन और चॉप कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अगर मुझे गोली मार दोगे तो सिंचन और चॉप को ढूंढोगे कैसे? इस वाले सीक्रेट बेस के रास्ते सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। देखो मेरे साथ चलाकी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। ठीक है फिर मुझे मार दो, लेकिन तुम्हें सिंचन और चॉप नहीं मिलेंगे। मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, बताओ सिंचन और चॉप कहाँ पर है? तुम्हें सीक्रेट बेस का किसने बताया? तुम लोग की ये नूबड़ी सीक्रेट बेस ढूंढना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी तुम मुझे चुपचाप ये बताओ कि सिंचन और चॉप कहाँ पर है? 10 करोड़ पे लाए हो क्या? लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे ये क्या किया तुमने? अभी दूसरी बारी तुम्हारी है। मुझे चुपचाप बता दो कि सिंचन और चॉप कहाँ पर है, नहीं तो तुम बचोगे नहीं। अच्छा अच्छा बताता हूँ, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे इतनी भी क्या
जल्दी है। लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे ये क्या किया तुमने? अभी दूसरा नंबर तुम्हारा है, मुझे फटाफट से बताओ कि सिंचन और चॉप कहाँ पर है, नहीं तो फिर मरने के लिए रेडी हो जाओ। तुम तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो। लगता है कि हम लोगों ने गलत बच्चे और कुत्ते को उठा लिया। गलती तो तुमने बहुत बड़ी कर दी है। और एक सेकंड रह गया, अंदर तो कुछ ज्यादा ही पैसे हैं, आप लोग देख रहे हो, पैसों वाली मशीन भी है यहाँ पर। मानना पड़ेगा सीक्रेट बेस तो तुम्हारी बहुत ज्यादा ओपी है, और तुम्हें मारने के बाद ये वाली सारी की सारी सीक्रेट बेस मेरी होने वाली है। ये क्या चीज है? अरे सिंचन और चॉप यहीं पर तो है। यहाँ पर है सिंचन और चॉप? हाँ, यहाँ पर एक खुफिया दरवाजा है, मगर मुझे तो कोई भी खुफिया दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें खुफिया दरवाजा दिखाई देगा भी नहीं। यार गाइस, ये तो मुझे गोलियां मार रहा है। इसके पास पिस्टल कहाँ से आई? यार गाइस, बाल बाल बचे, इसके पास तो गन भी है। देखो मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि सिंचन और चॉप कहाँ पर है। एक दफा सामने आओ, फिर बताता हूँ सिंचन और चॉप कहाँ पर है। तुमने मेरे इतने बॉडी गार्ड्स को मार दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? देखो तुम्हारे पास पिस्टल है, मेरे पास शॉट गन है। मैं एक गोली मारूंगा और तुम मर जाओगे। मैं भी एक गोली मारूंगा और तुम मर जाओगे। लगता है क्या गाइस, ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे फटाफट से अंदर जाके इसको मारना होगा। यार गाइस, ये मर क्यों नहीं रहा? मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखी है, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। अबे मुझे बताओ सिंचन चॉप कहाँ पर है? नहीं बताऊंगा कहाँ पर है। अबे यार गाइस, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट 10 करोड़ की है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। यार गाइस, ये तो वाकई में नहीं मर रहा है, मुझे भागना होगा, मेरे पास तो कोई जैकेट भी नहीं है। बाल बाल बचे गाइस, एक गोली मेरे बाजू पे लग चुकी है। ये नूबड़ा मर क्यों नहीं रहा है? इतनी ज्यादा मैंने इसको गोलियां मारी, मगर गाइस ये फिर भी नहीं मरा, और साथ में बोल रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखी है इसने। कैसे मारूं इसको, कैसे मारूं, मेरे पास ग्रेनेड भी नहीं है, नहीं तो ग्रेनेड फेंक देता अंदर। वेट, मेरे पास एक आइडिया है। बुलेट प्रूफ जैकेट तो इसने अपनी चेस्ट के ऊपर पहनी होगी, इसकी टांगों पे तो कोई भी आर्मर नहीं है, और इसके सर के ऊपर भी कोई आर्मर नहीं है, मुझे इसको हेडशॉट मारनी होगी। हाँ वैसे अगर अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, और मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, मैं यहाँ से साइड पे भागता हुआ जाऊंगा और सीधा फटाफट से इसको हेडशॉट मारूंगा। लेकिन अगर अगर मेरा निशाना मिस हो गया तो फिर ये मुझे नहीं छोड़ेगा। डू और डाई वाली सिचुएशन है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिंचन और चॉप को मुझे बचाना होगा। अभी धीरे धीरे मैं यहाँ पे मूव करूंगा, और बगैर रुके मुझे इसको हेडशॉट मारनी होगी। अभी मेरे पास यही प्लान है, एक चांस है मेरे पास, लास्ट चांस है। आई होप के यार गाइस ये मर जाएगा, आई होप के यार गाइस ये मर जाएगा। और गया, लगता है कि मर गया। अबे यार गाइस, हम लोगों ने लगता है कि सन्नाटा को मार दिया। फाइनली यार गाइस, ये नूबड़ा यहाँ पे मर चुका है। अभी ये वाली सीक्रेट बेस तो मेरी हो गई, लेकिन अब मैं सिंचन और चॉप को कहाँ पे ढूंढूंगा? इन लोग के बॉस को तो मैंने यार गाइस यहाँ पे मार दिया है, मगर ये मुझे कोई बटन लग रहा है। जो भी है, मुझे सिंचन और चॉप को ढूंढना है। सिंचन और चॉप मुझे यहाँ पे तो दिखाई नहीं दिए, मगर ये क्या चीज है? ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है? मुझे लगता है कि मैं यहाँ से आया था। हाँ वैसे गाइस, मैं यहाँ से आया था, मगर यहाँ पर भी एक दरवाजा है। ये वाला दरवाजा कहाँ पे जाता है? अबे नहीं आएगा, ये वाला दरवाजा तो बंद है। लगता है कि मुझे दूसरे दरवाजे को चूज करना होगा। सीक्रेट बेस तो काफी ज्यादा ओपी है। अभी एक काम करता हूँ कि यहाँ से आगे की तरफ जाके देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा गाइस, एक दरवाजा ये है, और फाइनली आएगा ये वाला दरवाजा खुल भी गया है, मगर यहाँ पर तो सिंचन और चॉप नहीं है। और ये किस तरह का पंखा है? अबे यार गाइस, कितना ज्यादा ओपी है। सीक्रेट बेस तो मानना पड़ेगा गाइस, बहुत ही ज्यादा ओपी है, मगर सिंचन और चॉप यहाँ पे नहीं है, और ये तो मुझे कोई वार्डरोब लग रही है। लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स का रूम होगा, मुझे फटाफट से बाहर जाना होगा। और यहाँ पर देखता हूँ दूसरा दरवाजा ये रहा, एक दरवाजा यहाँ पर है, देखता हूँ कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। नहीं यार गाइस, यहाँ पर भी कोई भी नहीं है। टीवी को फोड़ता हूँ, और अभी देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या फिर नहीं, बल्कि नहीं यार गाइस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और लगता है कि किसी सिक्योरिटी गार्ड का रूम है ये भी, मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। एक रूम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये खुलेगा क्या? खुल गया। फाइनली यार गाइस, दरवाजा खुल चुका है। अभी मुझे थोड़ा सा और आगे जाना होगा। सिंचन और चॉप कहाँ पर है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये भी दरवाजा है क्या? यहाँ से बाहर निकल के देखता हूँ। अबे यार गाइस, ये किस तरह का खंडर है? ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ? सिंचन और चॉप मुझे यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वाले गेट के बाहर देखता हूँ क्या है। अबे यार गाइस, ये तो बाहर निकलने का रास्ता है। इस वाले सीक्रेट बेस से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं, जो कि रोड पे टच करते हैं, और एक रास्ता पानी वाला है। काफी ज्यादा ओपी सीक्रेट बेस है, मगर अभी मुझे सिंचन और चॉप को ढूंढना है। सिंचन और चॉप कहाँ पे होंगे, कहाँ पे होंगे? काम करता हूँ, दोबारा अंदर जाता हूँ। काफी ज्यादा खुफिया रास्ता है, हम लोग यहाँ से तो आए थे, अभी मुझे यहाँ पे देखना होगा। सामने एक दरवाजा तो है, इसको खोल के देखता हूँ, दरवाजा खुल गया। वेट यार गाइस, ये तो मुझे कोई प्रिजन लग रहा है। लगता है कि सिंचन और चॉप यहीं पर होंगे। हाँ वैसे आएगा, सिंचन और चॉप यहीं पर हो सकते हैं। सबसे पहले इस वाले सीसीटीवी कैमरा को फोड़ता हूँ, और अभी मुझे सिंचन और चॉप को ढूंढना होगा। यहाँ पर एक दरवाजा है, फटाफट से यहाँ पे अंदर जाके देखता हूँ। गोली चलाने की हिम्मत मत करना। अबे तुम कौन हो? तुमने किसी छोटे बच्चे और डॉगी को देखा है क्या? नहीं देखा। देखो मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ तुमने किसी छोटे बच्चे और डॉगी को देखा है क्या? अरे बताया तो सही, क्या नहीं देखा? तो फिर तुम मुझे गोलियां क्यों मार रहे हो? यार गाइस, ये तो कुछ ज्यादा ही पेल रहा है मुझे, मुझे फटाफट से इसको मारना होगा। कवर नहीं है यार गाइस, यहाँ पे कोई भी कवर नहीं है। मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, जल्दी खुल जाए यार गाइस, दरवाजा खुल गया। अंदर वाला बंदा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसको मैं मारूंगा कैसे? हाँ वैसे यार गाइस, मेरे पास एक प्लान है। जिस तरह मैंने इन लोग के बॉस को मारा है, ठीक उसी तरह मैं इसको मारूंगा। अभी जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अबे नहीं यार गाइस, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लगता है कि इसको भी हेडशॉट मारनी होगी। एक काम करता हूं कि हेडशॉट मारता हूं इसको। अबे यार गाइस, ये तो फिर भी नहीं मरा। दोबारा ट्राई करता हूं हेडशॉट मारने का। अभी ये बचेगा नहीं, रुको बात सुनो मेरी, गोली मत चलाना, मुझे अस्पताल लेके जाओ। अच्छा तो मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं? मुझे पहले बताओ कि सिंचन और चॉप कहां पर है। बता
बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ। इस बार सीक्रेट बेस के अंदर दो कमरे हैं, एक में सिंचन और दूसरे में चॉप है। सिंचन कहाँ पर है? सिंचन जेल के अंदर है और चॉप टॉर्चर सेल के अंदर है। तुम लोगों ने चॉप को टॉर्चर सेल के अंदर रखा है? हाँ, ये सन्नाटा का ऑर्डर है। सन्नाटा तो मर गया, अभी तुम्हारे भी मरने का टाइम आ चुका है। फाइनली गाइस, ये भी मर गया। इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। सिंचन और चॉप को किडनैप करने से पहले इन लोगों को 1000 दफा सोचना चाहिए था। सीक्रेट बेस के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर चॉप है। बे यार गाइस, चॉप ये रहा, और एक गनमैन यहाँ पर भी है। यहाँ से गोली मार सकता हूँ क्या? बल्कि नहीं आएगा, यहाँ से गोली नहीं मार सकता हूँ। मुझे अपने चॉप को बचाना होगा। अरे भाई, आप आ गए क्या यार? अबे चॉप, एक सेकंड चुप तो कर, तुझे बोलने की क्या जरूरत थी? अरे भाई जल्दी इसको मारो यार। मर गया चॉप, ये तो मर गया। मुझे बता के सिंचन कहाँ पर है? अरे भाई सिंचन वो सामने वाले कमरे में यार। तू ठीक है ना चॉप? अरे भाई घंटा ठीक हूँ, इन लोगों ने मुझे उल्टा लटका के रखा यार। फिक्र मत कर चॉप, अभी मैं आ गया हूँ ना, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे पता था कि आप हम लोग को बचा लोगे यार। तू यहीं पे रुक, मैं सिंचन को बचा के आता हूँ। अरे भाई उस वाले कमरे के अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड है यार। बिल्कुल भी फिक्र मत कर चॉप, सिक्योरिटी गार्ड भी अभी बचेगा नहीं। मुझे पहले यहाँ से अंदर देखना होगा। थोड़ा थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, मगर ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। अंदर जाके देखता हूँ। गोली चलाने की हिम्मत मत करना। तुम कौन हो? मुझे बताओ कि सिंचन कहाँ पर है? कौन सिंचन? मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, 5 साल के छोटे बच्चे को तुम लोग उठा के लेकर आ गए थे, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। वो तो गोलियों की आवाज सुन के भाग गया। कहाँ पे भागा है वो? देखो बंदूक नीचे करो, अगर सन्नाटा को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। मुझे बताओ कि सिंचन कहाँ पर है? देखो मैं भी तुम लोग की तरह एक इंसान हूँ। सिंचन ने मुझे बताया था कि तुम लोगों ने उसको लाते और मुक्के मारे। सिंचन को लाते और मुक्के हम लोगों ने नहीं, सन्नाटा ने मारे थे, और मैं खुद सन्नाटा को मारना चाहता हूँ, क्योंकि सन्नाटा मेरे बेटे को भी इसी तरह यहाँ पर लेकर आ गया था और फिर उसने मेरे बेटे को मार दिया। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया और मैं सन्नाटा की आर्मी के अंदर आ गया। मैं खुद सन्नाटा का दुश्मन हूँ और सन्नाटा से बदला लेना चाहता हूँ अपने बच्चे का। लेकिन मुझे बताओ कि मेरा भाई सिंचन कहाँ पर है? तुम्हारे भाई सिंचन को मैंने सेफ जगह पे रख दिया है। आप लोग क्या बोलते हो? मुझे इसकी बात पे विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं? देखो अगर मुझे मारना होता तुम्हें तो मैं तुम्हें गोली मार सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। और यहाँ पे तुम्हें सिंचन की डेड बॉडी दिखाई दे रही है क्या? नहीं, यहाँ पे तो मुझे कोई भी डेड बॉडी नहीं दिखाई दे रही है। तुम्हारे भाई सिंचन को मैंने सेफ जगह पे रख दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सिंचन का हाल भी मेरे बच्चे की तरह हो। मेरा दुश्मन सिर्फ सन्नाटा है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की जरूरत थी। सन्नाटा वनाटा मैंने सबको मार दिया है, और सारे के सारे बॉडीगार्ड से मर गए, तुम यहाँ पे आखिरी बचे हो। अरे तुमने तो मेरा काम कर दिया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिंचन के पास लेके चलता हूँ। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो और मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ ठीक है, तुम्हारे पीछे तो आ रहा हूँ। मुझे तुम्हें यहाँ पे देख के बहुत खुशी हुई, मुझे पता था कि तुम अपने भाई को पक्का बचा लोगे। ज्यादा बातें मत करो, मुझे बताओ कि सिंचन कहाँ पर है? मेरे साथ आओ। लेकिन तुम लोगों ने सन्नाटा को मार दिया ना? हाँ सन्नाटा को मैंने मार दिया है, मुझे एक दफा जाके चेक करना होगा। हाँ तुम खुद देख लो, सन्नाटा मरा हुआ है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो सचमुच में सन्नाटा को मार दिया, इसी ने मेरे बच्चे को मारा था। मुझे बताओ कि सिंचन कहाँ पर है? मेरे साथ आओ। ये तो तुम मुझे गैराज की तरफ लेके जा रहे हो। देखो चालाकी मत करना, मुझे पता है तुम गाड़ी लेके भागने का सोच रहे हो। अरे नहीं नहीं, इस वाली गाड़ी के अंदर ही तो सिंचन है। हैं, गाड़ी के अंदर सिंचन है? हाँ, तुम्हारे भाई सिंचन को मैंने गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था। अपने भाई को ले जाओ। इस वाली गाड़ी के अंदर तो नहीं है सिंचन? सिंचन इस वाली गाड़ी के अंदर नहीं, इस वाली गाड़ी के अंदर है। मुझे पहले देखना होगा, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो देखो नीचे। अबे यार सिंचन, मैं आ चुका हूँ, बाहर आ जा। अरे यार हमने आपने हम लोग को बचा लिया। बचा लिया सिंचन, फटाफट से बाहर आ जा। आप लोग देख लो क्या, सिंचन गाड़ी के नीचे छुपा हुआ है। अरे यार हमें, आपने सबको मार दिया। सबको मार दिया सिंचन? लेकिन ये वाला बंदा तेरा दोस्त है क्या? अरे हाँ हाँ, ये वाला बंदा मेरा दोस्त है। हाँ मैं, इसने मुझे बचा लिया था। थैंक यू, तुमने मेरे भाई सिंचन को बचाया। ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन मेरे लायक क्या हुक्म है? देखो सन्नाटा तो मर चुका है, अभी ये वाला सारा का सारा सीक्रेट बेस मेरा हो चुका है। तुम अगर चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। ठीक है सर, आज से आप मेरे बॉस हो और तुम इस सारे के सारे सीक्रेट बेस के कमांडर हो। अपनी बढ़िया सी आर्मी को तैयार करो, मैं कल यहाँ पे चक्कर लगाऊंगा। ठीक है बॉस, जैसा आपका ऑर्डर। लेकिन बॉस आपने अकेले सबको मार दिया, आप तो महान हो, मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या? मेरा नाम हामी टी है। हामी टी की जे हो। ठीक है अभी मैं निकलता हूँ। सिंचन चाहो फटाफट से मेरे साथ आ जाओ। अरे भाई ये वाली सीक्रेट बेस हम लोग की होगी क्या? हाँ चुप, आज के बाद ये वाली सीक्रेट बेस हम लोग की हो चुकी है, और ये हम लोग का सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है, जो कि सारे के सारे सीक्रेट बेस का कमांडर है। मेरी एब्सेंस में यही सारे के सारे सीक्रेट बेस को संभालेगा, मगर अभी हम लोगों ने बाहर जाना है। ये वाली गाड़ी ठीक रहेगी? अरे हाँ हाँ भाई, ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा ओपी है। आ जाओ फिर फटाफट से बैठ जाओ, और मेरे कमांडर तो मेरी बात सुनो। जी जी सर बोले। यहाँ पे एक लेस्टर नाम का बंदा आएगा, ये दोनों के दोनों गाड़ियां उसको दे देना। ठीक है सर, जैसा आप बोले। अभी हम लोग को यहाँ से बाहर जाना है। अरे भाई ये वाला रास्ता बाहर निकलेगा क्या? अरे यार चुप, ये वाला रास्ता बाहर निकलेगा। कितनी ज्यादा ओपी सीक्रेट बेस थी। अरे हाँ हाँ भाई, ये वाला सीक्रेट बेस बहुत ज्यादा ओपी थी। अरे भाई वो तो ठीक है, मगर मेरे एक दांत टूट गया, मेरे दांत लगा के दो यार। ठीक है चुप, तेरा दांत भी हम लोग लगवाएंगे। सिंचन तू ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा बंदा मिल गया था। हाँ सिंचन वो बंदा बहुत अच्छा था, मगर मैं उसको मारने लगा था, लेकिन फिर जब मुझे तेरी डेड बॉडी नहीं दिखाई दी ना, तो फिर मैंने उसकी बात पर ट्रस्ट कर लिया। अरे भाई थैंक यू, आपने हम लोग को बचा लिया यार। लेकिन लॉस सैंटोस के अंदर बर्फ खत्म हो चुकी है, मैं कैंपिंग का सोच के निकला था। अरे भाई कैंपिंग का छोड़ो, हम लोग को इतना ओपी सीक्रेट बेस मिल गया। हाँ वैसे यार चुप, सीक्रेट बेस तो काफी ज्यादा ओपी है। तो गाइस अगर आप लोग को भी हम लोग का सीक्रेट बेस ओपी लगा है, तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और गेम प्ले के।
के अंदर। टिल द टेक केयर एंड बाय बाय।